नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, IPL इंडियन पेस्टिसाइड का जो IPO आया था उसको मैंने सब्सक्राइब करने को बोला था दोस्तों। और दोस्तों IPO में हमें अच्छा रिटर्न मिला, बट दोस्तों अभी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में अच्छा अपर मूवमेंट भी हो सकता है दोस्तों। हॉट सेक्टर है, हॉट बिजनेस है दोस्तों, लंबी अवधि में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आपको नहीं मिला है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे आपको बाय करना चाहिए तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और दूसरा स्टॉक है दोस्तों HFCL के ऊपर, तो दोनों के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो पहले दोस्तों ये IPL का चार्ट है दोस्तों, जो 60 मिनट का चार्ट है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये स्टॉक को लिस्ट हुए अभी 3 दिन ही हुए है। यहाँ पे आपको ये डे वन का दोस्तों मूवमेंट दिख रहा है, जहाँ पे हायर वॉल्यूम था और सेलिंग प्रेशर बना था, और फिर वहीं से स्टॉक नीचे आना स्टार्ट हो गया, स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है दोस्तों। नीचे कहाँ तक जा सकता है वो कहना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। IPO का जो प्राइस था वहाँ तक भी जा सकता है अगर मार्केट में करेक्शन आ जाए। बट हमें नई खरीदारी कौन से इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर चार्ट के ऊपर दिख रही है इंट्राडे और पोजिशनल के लिए, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों 60 मिनट के चार्ट के ऊपर दोस्तों आपको ये कैंडल जो है, जो पहले दिन बना था 5 जुलाई को, जहाँ पे उसने लो बनाया था 340 का, और दूसरा जो ये कैंडल है दोस्तों 6 जुलाई का 3 बजे का कैंडल है, जहाँ पे उसने लो बनाया 340 का। उसके बाद सेम डे दोस्तों 340.10 का लो बनाया, ओपन हुआ दोस्तों स्टॉक ने लो बनाया 338.40 का, और उसके दूसरे दिन ही दोस्तों वहीं पे दोस्तों कैंडल बनाया था 60 मिनट का 340.10, यानी कि दोस्तों 340 का लेवल है वो नेक एंड ब्रेक लेवल। जैसे ही उसने तोड़ा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको इंट्राडे में मिल गया था दोस्तों। बट अगर ये लेवल को ऊपरी तरफ तोड़ता है तो दोस्तों दो एडवांटेज हमें मिल सकते हैं। एक, यहाँ पे आपको 20 डेज मूविंग एवरेज का लाइन दिख रहा है दोनों हाई और लो का, बट अभी वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। रीज़न ये है कि दोस्तों 20 दिन तो हुए ही नहीं है स्टॉक को ट्रेड हुए, बट अगर 340 का लेवल तोड़ता है 2-4 दिनों के बाद तो ये जो एवरेज लेवल है उसको भी तोड़ देगा, तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हमें IPL के अंदर मिल सकता है। अब दोस्तों दूसरा जो स्टॉक है वो है HFCL। बहुत ही खुशी हो रही है दोस्तों स्टॉक को बताते हुए, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला है इस स्टॉक में। इसका मैं वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करूंगा दोस्तों, मैंने बताया था। बट स्टॉक में दोस्तों जहाँ पे हमारा डिस्कस होना उसके बाद स्टॉक में मूवमेंट नहीं आई, और काफ़ी लोगों का पूछना था कि नया बाइंग करना है तो कहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 35.49 का जो लेवल था नेक एंड ब्रेक लेवल, जहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला और हम एंटर हो गए थे HFCL में। और ये जो दोस्तों आपको वाइट लिख रहा है तो वो है रिट्रेसमेंट लेवल है, जो इस वीक का हाई का कैंडल है, और उसका 23.6% का रिट्रेसमेंट 80 रुपीज़ के आसपास आ रहा है जहाँ पे स्टॉक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आपने बाई की है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। छोटा स्टॉक है, न्यूज़ के ऊपर चलता है तो बहुत ही तगड़ा मोमेंटम आता है, और अपर सर्किट में ही डील करता है। ज़्यादातर आप देखोगे कि जब भी मूव करता है बहुत ही हायर मूव करता है। तो दोस्तों इसमें 23.6 का रिट्रेसमेंट, अगर आपको निकलना है तो आप निकल भी सकते हो, बट दोस्तों लंबी अवधि में स्टॉक अच्छा लग रहा है तो आप इसमें, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि 23.6% का रिट्रेसमेंट से स्टॉक मुड़ भी सकता है आगे के लेवल के लिए, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है ये स्टॉक के अंदर कि 23.6 के रिट्रेसमेंट से इसने मूव कर दिया है। मैं आपको विथ एग्जाम्पल दोस्तों दिखाता हूँ, ये जो रिट्रेसमेंट है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और दोस्तों वही जो हमने कैंडल पकड़े थे उसी का कैंडल को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिट्रेसमेंट देखेंगे तो यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए दोस्तों। तो यहाँ पे 23.6 का रिट्रेसमेंट 45.25 आ रहा था, और दोस्तों ये कैंडल में टच करके दोस्तों ऊपर चला गया, क्योंकि दोस्तों सडन मूवमेंट हुई है उसकी वजह से स्टॉक में हमें बहुत ही जल्दी रिट्रेसमेंट देखने में तकलीफ हो रही है। अब दोबारा मैं दूसरे स्टॉक में दे रहा हूँ तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि सेम 23.6% का यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत नज़दीक था उसकी वजह से हमें 23.6 का नहीं दिखा। बट सेम यहाँ पे भी ये वीक में हो सकता है, जो मैंने 80 का लेवल बताया वहाँ से स्टॉक में वापस तेजी आना स्टार्ट हो सकता है। तो ये सारे दोस्तों मेरे पर्सनल व्यू है, और आप अगर इसके चार्ट के ऊपर देखोगे कि एक दिन में कुछ खास मूवमेंट इसमें नहीं हुआ है। और डिलीवरी की अगर दोस्तों बात की जाए तो 3,62,32,451 का क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, और डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो 1,25,60,370,
ऑलमोस्ट 34% का दोस्तों डिलीवरी बेस है, यानी कि डिलीवरी बाइंग हो रही है भले स्टॉक में करेक्शन आया, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट आया था उसकी वजह से ही करेक्शन आया है दोस्तों। तो ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।